इंदौर जिले में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के दूसरे चरण में बुधवार को देपालपुर में किसानों को ऋण माफी पत्र वितरित किए गए। देपालपुर क्षेत्र के 4,777 किसानों ने 34,61,00,000 रुपए से अधिक के ऋण माफी के प्रमाण पत्र दिए गए हैं। गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि दूसरे चरण में 11,766 किसानों को 88,54,00,000 का ऋण माफ किया जाएगा। इंदौर जिले के देपालपुर में पहली बार एक साथ कमलनाथ सरकार के गृह मंत्री बाला बच्चन, कृषि मंत्री सचिन यादव, स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट के सहित विधायक विशाल पटेल व विधायक संजय शुक्ला जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत किसान सम्मान पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जहां कार्यक्रम के अंतर्गत 4,777 किसानों को 34,00,00,000 रुपए के प्रमाण पत्र बांटे गए। तीनों मंत्रियों व विधायकों ने कमलनाथ सरकार के ऋण माफी योजना की जमकर तारीफ की। कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि शासकीय भूमि उपलब्ध हो जाने पर किसानों को उपज बेचने के लिए इंदौर नहीं जाना पड़े, इसलिए देपालपुर में ही मॉडल कृषि मंडी को अलॉट कर दी जाएगी। 24 अवतार मंदिर के सभा मंडप में लगे फर्श मार्बल का उद्घाटन भी तीनों मंत्रियों व विधायकों ने किया है। नगर परिषद देपालपुर, बेटमा, गौतमपुरा व हातौत के सैकड़ों हितग्राहियों को पट्टे बांटे गए और निर्माण कार्यों का शिलान्यास करवाया गया। इस दौरान महिला बाल विकास विभाग ने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की गोद भराई रस्म अदा करवाई। इस कार्यक्रम में मंत्रियों व विधायकों को मालवा पगड़ी भी पहनाई गई ताकि वे अपने क्षेत्रीय पोशाक में मौजूदा जनसमूह को रिझा सकें। माननीय कमलनाथ जी का जो सपना था, जो वचन कांग्रेस पार्टी ने दे रखा था, उसी के चलते द्वितीय चरण के रूप में नेपालपुर के अंदर आज 34,00,00,000 रूपए, जो की 4,777 किसानों के द्वितीय चरण में 1,50,000 से लगाकर 1,00,00,000 तक के ऋण माफ हुए हैं। प्रथम चरण में 10,000 से ऊपर किसानों के हुए थे 10,600 किसान, इसी प्रकार करीब करीब 15,000 के आसपास किसान, देपालपुर के किसान जो हैं उनको लाभ मिला है। और आते हुए अप्रैल माह के अंदर माननीय कमलनाथ जी ने फिर निर्देश दिए हैं कि अप्रैल माह के अंदर पुनः तीसरे चरण के भी माफ हो 2,00,000 रुपए तक के सबके, जो अगले 10,700 किसानों को लाभ मिलने जाने वाला है। अपने वचन के अनुसार हमारी सरकार हमारे किसान साथियों का ऋण माफ करने का काम हमारी सरकार कर रही है और इस योजना को हम चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहे हैं। प्रथम चरण में हमने हमारे किसान साथियों के पूरे मध्य प्रदेश में 20,00,000 से अधिक किसान साथियों का 7,000 करोड़ रुपये का ऋण माफ करने का काम किया गया और इसमें उन किसानों को शामिल करने का काम किया गया जिनके कालातीत खाते थे उनका 2,00,000 तक का ऋण माफ करने का काम किया गया और जिनके चालू खाते थे उनका 50,000 तक का प्रथम चरण में ऋण माफ करने का काम किया गया। दूसरे चरण की अभी शुरुआत हमने करी है और इस दूसरे चरण में उन किसानों को शामिल किया जा रहा है जिनके ऊपर 50,000 रुपये से लेकर के 1,00,000 का जिनके ऊपर ऋण है और जिनके चालू खाते। तहसील देपालपुर में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें मध्य शासन के 3 मंत्री पधारे हुए थे, इसमें आज हम लोगों ने 4,777 किसानों का 31 करोड़ से अधिक राशि का ऋण माफ किया है। और सरकार की मंशा है, सरकार का उद्देश्य है कि किसान का जो ऋण माफ हो रहा है वो अपना किसान पैसा अपनी जमीन में अपनी खेती में लगाएगा तो अपनी खेती को उन्नति करेगा और उससे उत्पादन उत्पादकता बढ़ेगी और उसकी आय में वृद्धि होगी। नेपालपुर और इंदौर जिले को और मध्य प्रदेश के समस्त किसानों का माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। हाँ। इसीलिए आज लगभग 15,000 किसानों को जय किसान ऋण योजना का लाभ मिला है। हाँ। मान्य करो। हाँ। और पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 35,000 किसानों को 174 करोड़ का लाभ मिला है। हाँ। कांग्रेस जो बोलती है करती है, 2,00,000 तक का हर किसान का कर्ज माफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।